दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे मनोबल में वृद्धि हो और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग की जो सीलन सीपेज समस्या होती है आपको दिखा सकूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ से ये रेजिडेंशियल हॉस्टल है और एक तरफ से ये सरकारी है। यहाँ पर मैंने साइट विजिट किया, करीब करीब यहाँ पर जो काम मिला हुआ है मुझे 50,000 से लेकर 1,00,000 स्क्वायर फीट तक काम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दूर दूर तक ये सब छतें हैं। एक तरफ से टोटल टाइल्स लगा हुआ है और जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है ये हर तरफ से पत्थर से घिरा हुआ है। फिर भी सीलन और सीपेज ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। पत्थर लगने के बावजूद भी यहाँ पे पूरे सीलन सीपेज, नीचे का जो सीलिंग वगैरह होता है, जो भी डेकोरेशन हुआ, सबको ख़राब कर दिया है। जो छत इसका है स्लोप नुमा है और ये फ्लैट भी नहीं है। स्लोप होते हुए पानी का रुकने का कोई चांस नहीं है, लेकिन सीलन और सीपेज ऐसा चीज़ है कि स्लोप होता या फ्लैट होता उससे मतलब नहीं है। अगर वाटरप्रूफिंग हुआ होता तो ये सब चीज़ें यहाँ से हटानी नहीं पड़ती, इतना नुकसान नहीं होता। ये सब हटा के फिर से वाटरप्रूफिंग किया जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर फिर पत्थर वगैरह टाइल्स लगाया जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि टाइल्स पत्थर जो होता है ये सीलन सीपेज को रोकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो है दो टाइल्स का ज्वाइंट है। इसको बहुत कोशिश किया गया है कि इसको ज्वाइंट को ठीक कर दिया जाए, लेकिन ठीक होने का नाम लेता नहीं है। मात्र एक ही उपाय है, वाटरप्रूफिंग। अगर वाटरप्रूफिंग करके ये सब चीज़ें की गई होती तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और ये टाइल्स पत्थर हटाना नहीं पड़ता और ये एक तरफ से सही रहता। लेकिन इस पर वाटरप्रूफिंग का काम नहीं किया गया है, सब कुछ यहाँ पे ख़राब हो चुका है। मैं आपको नीचे भी ले चल कर दिखाऊंगा इसकी क्या स्थिति है। तो जब भी आप अपना घर बनवाइए, नया कंस्ट्रक्शन कराइए, उसी टाइम अपने छत पर वाटरप्रूफिंग करा लें। बेसमेंट में होता है, बाथरूम वगैरह जहाँ भी होता है वहाँ पर ज़रूर करा लें। नहीं तो 2-3 साल बाद ये जो है वाइब्रेशन इतना बढ़ गया है कि जगह जगह क्रेक आ जाती है छत पर, बिल्डिंगों में क्रेक आ जाती है और सीलन सीपेज बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। जो भी आप डेकोरेशन करते हैं वहाँ से क्या होता है कि वो चीज़ हटानी पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर बाद में आप वही काम कराएंगे जो पहले आप नहीं कराए होते हैं, वाटरप्रूफिंग का काम। वाटरप्रूफिंग आजकल बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में चल कर कराएंगे, लेकिन वही आप बाद में कराएंगे जब आपको ये सब चीज़ें नुकसान उठाना पड़ जाए। तो वाटरप्रूफिंग सर्विस कंपनी की पूरी दिल्ली NCR इंडिया में अपने टाइल्स पत्थर जो होता है, एक तरफ से ये बाहरी सोपिस बढ़ाता है और थोड़ा सा मजबूती देता है आपके दीवार में, लिंटर में, लेकिन ये पानी को रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। पानी को सीलन सीपेज रोकना है तो वाटरप्रूफिंग आप अपने घर में ज़रूर कराइए। और जो कंपनी की सर्विस है पूरी दिल्ली से लेकर इंडिया में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।